नमस्ते दोस्तों, मैं मृदुला तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मधु जी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सगपैता। आज मैं बताने जा रही हूँ, जिनको नहीं पता है कि सगपैता किसको बोला जाता है, तो सगपैता अरहर की दाल और बथुआ की बनाई जाती है। खाने में बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है ये बथुआ का दाल। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे हमने तूर दाल ले लिया है, आप लोग चाहे तो कोई सा भी दाल ले सकते हो। यहाँ पे हमने बथुआ का साग ले लिया है और उसे खूब अच्छी तरह से धुल के और बारीक काट लिया है। यहाँ पे तड़के के लिए हमने जीरा, लाल साबुत मिर्च और लहसुन और हींग ले लिया है। साथ ही साथ एक टमाटर को काट लिया है। चलिए अब दाल बनाते हैं। और इसमें हम दो कटोरी पानी रख रखे हैं और ये अरहर की दाल है एक कटोरी, छोटा कटोरी के लगभग। और इसमें हम डालते हैं ये बथुआ का साग, इसको गांव में सगपैता बोलते हैं। कितने लोग दलसग्गा बोलते हैं। अब हम डालेंगे इसमें नमक छोटी चम्मच से, डेढ़ चम्मच, और हल्दी डालेंगे, एक चम्मच छोटा चम्मच, और थोड़ा सा हींग डाल देंगे, और ये सारा डाल के सीटी लगा देंगे तीन चार। अब रखते हैं गैस पे, तीन से चार सीटी लग जाएगी, दाल बन जाएगा, फिर बाद में इसमें तड़का लगाएंगे। चलिए अब तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए ये लहसुन तीन चार कली है, महीन महीन काट रखी हूँ। ये दो लाल मिर्च है, ये एक चुटकी जीरा है और एक छोटा टमाटर है। ये तड़का वाला पैन है, इसमें दो चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे जीरा, लहसुन, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए लहसुन, डालते हैं लाल मिर्च, फिर टमाटर डालते हैं, डाल के अब अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे और तड़के को चलाते रहेंगे कि जब तक भून न जाए, क्योंकि जल जाएगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पैकेट वाला मसाला। अब ये सारा भून गया है, देखिए टमाटर वगैरह सब गल गया है अच्छी तरह से।
देखिए अब हमारा दाल बनके तैयार हो गया, बहुत स्वादिष्ट है और टेस्टी भी है। आप लोग भी बनाइए और खाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ये दाल कैसी लगी। चलिए अब दाल बन के तैयार हो रखी है और इसको आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मीठी लगती है ये दाल। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिख के बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो, ताकि आगे जो नई रेसिपी बनेगी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'm a OP boy. Know that the ride or